हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल बिस्ट में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुझको लेना था एक टेबल लैंप। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे सर्च करा लेकिन मुझे कोई ढंग का टेबल लैंप नहीं मिला, क्योंकि जो मेरे को टेबल लैंप चाहिए था उसके अंदर मुझे बल्ब लगाना था ज्यादा वॉट का। तो मुझे कोई ऐसा टेबल लैंप चाहिए था जिसके अंदर एक बल्ब होल्डर हो और उसके अंदर मैं अपनी मर्जी से बल्ब लगा सकूं। तो मैंने ऑनलाइन भी सर्च करा, तो देख सकते हैं आप मेरे को जो प्राइस रेंज दिखी थी, तो मतलब लो क्वालिटी में 300 से लेकर के 1500-1000 तक का जा रहा था। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना ऑफलाइन जाके देखा जाए, और वहां पर मुझे एक प्रोडक्ट मिला। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं टेबल लैंप, ये मैंने ऑफलाइन लिया है। इसका प्राइस कितना वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना। अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और सारे डिटेल्स इसकी जानेंगे कुछ इस तरीके से। मुझे अब तक ये भी नहीं पता इसके अंदर कलर कौन सा है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, चलिए इसको खोल लेते हैं। नॉर्मल पैकिंग करी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसके साथ ये वायर मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी वाला नहीं है, इसको आप बैटरी से यूज़ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल आपको पावर दे करके ही यूज़ करना पड़ेगा। और जो वायर है वो अच्छी खासी लंबी है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट दी हुई है। इसके अंदर आपको एक बटन मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, अभी ऑफ हो रहा है, यहाँ पे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल सी रॉड दी हुई है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, पूरे लोहे की रॉड है, प्रॉपर लोहा है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सच में बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे लग रही है। ये जो पार्ट है प्लास्टिक का है, ये वाला जो पार्ट है ये भी हार्ड प्लास्टिक का है, नीचे वाला जो बेस है ये भी हार्ड प्लास्टिक का है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ भरा हुआ है, काफ़ी वजन लग रहा है, ठीक है, ताकि ये स्टेबल रहे। और नीचे वाला जो पार्ट है ये भी प्लास्टिक ही है, अंदर से देखने पर कुछ इस तरीके से है। तो चलिए एक बार इसको पावर ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 9 वाट का बल्ब। तो अभी ये सेट हो गया है, ठीक है, इसको ऑन करके देखते हैं। तो इसके अंदर आप लोग कोई कितने भी वॉट का बल्ब लगा सकते हैं, मैंने अभी जो लगा रखा 9 वॉट का बल्ब लगाया है, और काफ़ी अच्छी, मतलब कि जिस तरीके से डायरेक्शन में दे रहा है तो काफ़ी सही मुझे लगा। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ तो इतने पार्ट में ये रोशनी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल लैंप और है, तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये एडजस्टेबल होता है, पूरा फोल्ड भी हो जाता है, और ये चार्जिंग वाला है, बट इसका जो थ्रो है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से मुझे ये वाला टेबल लैंप लेना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर मैं अपने हिसाब से बल्ब लगा सकता हूँ। और जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो कमरे में काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और जो मेरा मेन पर्पज़ था वो यही था, क्योंकि इसके नीचे बैठ के मेरे को कोई पढ़ाई या फिर कोई लैपटॉप वैसा कुछ भी नहीं चलाना है, उन कामों के लिए अगर पूरा अंधेरा कमरे में तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो लाइट है उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टच आप देख रहे हैं, और इसकी लाइट हम कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं, बट इसके अंदर ऐसा कुछ फीचर नहीं है। एक चीज़ इसके अंदर वो ये है कि इसकी मजबूती, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और साथ में हम कभी भी इसका बल्ब जो है उसको चेंज कर सकते हैं अगर फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्वालिटी इसकी काफ़ी मुझे दमदार लगी हर जगह से, मतलब कि बढ़िया है, और बीच में मेटल रॉड है इसके। तो दोस्तों, अगर मुझे कोई वीडियो बनानी होगी यूट्यूब की, और अगर मुझे लाइट की ज़रूरत होती है तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने इसीलिए मंगाया है। और इसमें अगर मैं ज़्यादा वॉट का बल्ब लगा दूँ और ऊपर थोड़ा सा बटर पेपर लगा दूँ तो बहुत अच्छी तरीके से ये स्टूडियो लाइट का भी काम करेगा। और साथ में जो ये वाला मेरे पास लैंप है, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ रात को, तो उसके लिए है ये, ठीक है। तो गाइस, इसके अलावा तो इस लैंप के अंदर और कुछ इतना खास है नहीं कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग लैंप लेना चाहते हैं लेकिन उनको एक्जैक्टली नहीं पता कि हम कहाँ से लें, क्योंकि ऑफलाइन भी जाते तो ज़्यादातर लोग रखते नहीं है इसे, तो लोग क्या करते हैं इसको ऑनलाइन मंगा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेम प्रोडक्ट है ऑनलाइन, यही वाला प्रोडक्ट आपको करीबन 1000 रुपये का मिलेगा, और मैं इसको ऑफलाइन स्टोर से ले गया हूँ 300 रुपीज़ का, मात्र 300 रुपये का। और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको मालूम है, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, थोड़ा सा सस्ता अगर आप ले लेते हैं 200-300 में अगर लैंप लेने की सोचेंगे, तो आपको पता है कि वो किस टाइप का आएगा, कितना घटिया उसका मटेरियल होगा, ठीक है। बट ये है कि हाँ, ये मेरे को सही मिल गया। अगर आपके वहाँ पे घर के आसपास कोई बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है, अगर आप उससे पूछ लें कि भाई आप लैंप रखते हो, या फिर आप उसको बोल भी सकते हो कि भाई अगर आप नेक्स्ट टाइम सामान लेने जाओ तो इस तरीके का एक लैंप ले आना, मेरी वीडियो दिखा देना उसे, तो वो बंदा लाजपत राय मार्केट से या जहाँ से भी वो सामान लेके आता होगा वहाँ से लेके आ जाएगा, और हो सकता है कि आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाए। दोस्तों, इस टेबल के लैंप के यहाँ पर कुछ जगह है और मुझे नहीं पता एक्जैक्टली किस लिए है, शायद हो सकता है कि पेन रखने के लिए हो, ठीक है, लेकिन खाली जगह पड़ी हुई है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और एक और चीज़ कमेंट करें, कुछ भी आपको लिखना हो मतलब इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, दोबारा मिलते हैं बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ।